दोस्तों कहते हैं कि नशा जो होता है वो आदमी के पतन का कारण बनता है, और पूरे संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर किसी प्रकार का नशा ना हो। समाज हो चाहे दुनिया हो, हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का नशा है। चाहे किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को खेलने का नशा है, किसी को पैसा कमाने का नशा है, किसी को घूमने का नशा है, किसी को खाने का नशा है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति में कोई ना कोई नशा जरूर है, और ये नशा चाहे जिस प्रकार का हो, सिर्फ पढ़ाई के नशे को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया के हर नशे सिर्फ पतन और बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। और इन्हीं नशों की श्रेणी में सबसे बड़ा नशा जो होता है वो होता है इश्कबाजी का नशा, रंगरलिया मनाने का नशा, नई नई लड़कियों से संबंध बनाने का नशा। और हद तो तब हो जाती है जब एक जवान लड़का किसी लड़की से इश्क फरमाता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और उसके अंदर एक रंग मिजाजी का नशा है, और वो समाज के सामने आ जाता है, पकड़ा जाता है, तो समाज के लोग एक बार ये कह के मना कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये नौजवान है, अगर इसने खता इसने गलती कर दी है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब यही नशा, रंग मिजाजी का, इश्क का नशा किसी ऐसे व्यक्ति पर सवार हो जाए जो कि अधेड़ हो चुका हो, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास पहुंच गई हो, और जो एक सरकारी महकमे में एक सरकारी पद पर अच्छे अधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हो, उसी नशे के चक्कर में, उसी इश्कबाजी और उसी रंग रलिया मनाने के चक्कर में उसका सर्वस्व निछावर हो जाए और सर्वस्व बर्बाद हो जाए तो कैसा लगेगा? दोस्तों मुझे पता है आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर पुलिस का एक अधिकारी एक गलत आदत की वजह से, एक नशे के वजह से कैसे देखते देखते बर्बाद हो जाता है। और वो बर्बादी ऐसी नहीं थी, बर्बादी थोड़ा हट के थी, थोड़ा अलग थी। आखिर क्या किया था उस पुलिस अधिकारी ने जो देखते देखते उसके बर्बादी के द्वार खोल देती है, उसका जीवन देखते देखते गर्त में चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों आज की सच्ची कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना कि जब भी मैं समाज में घट रही ऐसी सच्ची कहानियों की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर एक मुहिम चल रही है, जो लोग हमारी पूरी कहानी देखते हैं और उस कहानी पर आप अपना प्यारा सा कमेंट देते हैं, अपनी राय देते हैं, हम उनका नाम कहानी के आखिरी में लेते हैं। इस कहानी के आखिरी में भी हम उन लोगों का शुक्रगुजार करेंगे और उन लोगों का नाम लेंगे जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर हमें अपना प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। दोस्तों एक बार बहुत खुशी हो रही है और आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा YouTube का परिवार 7,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गया है, यानी हम पूरे परिवार में अब 7,000 सदस्य से ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रहेंगे और आपका सपोर्ट हमेशा हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। फिलहाल बिना देरी किए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों जो आज की कहानी है ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है उन्नाव। उन्नाव जिले में घटना है सन 2021 की। एक सर्किल पड़ती है बीघापुर। बीघापुर सर्किल के जो सीओ थे, यानी कि डिप्टी एसपी साहब थे, इनका नाम कृपा शंकर कनौजिया होता है। कृपा शंकर कनौजिया बतौर डिप्टी एसपी बीघापुर सर्किल उत्तर प्रदेश उन्नाव में पोस्टेड थे। क्योंकि बड़े अधिकारी थे, पुलिस में वैसे भी अधिकारियों की हनक होती है, अधिकारियों की छोड़िए सिपाही भी हो पुलिस का, तो एक बार समाज या लोग देखते हैं तो डरते हैं, और उसमें अगर अधिकारी हो तो अधिकारी की बात ही बड़ी होती है। सब कुछ सारी सुख सुविधाएं थी, सीओ साहब बढ़िया गनर लेकर चलते थे, सरकारी गाड़ी अलाट हुई थी, सब कुछ अच्छा था। साहब जिस सर्किल में काम कर रहे थे उनकी उम्र करीब 50 के आसपास हो गई थी,
और सीओ साहब सिपाही से भर्ती हुए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में, और उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही से भर्ती होते होते संघर्ष करते मेहनत करते जो विभागीय पुलिस में परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा पास करते, परीक्षा पास करने के बाद सीओ साहब सिपाही से एसआई बनते हैं, दिन बाद एसआई से दरोगा बनते हैं। अब उनके जीवन का आखिरी पड़ाव था, कुछ दिन बाद सीओ साहब की रिटायरी थी, तो सीओ साहब जो है सिपाही से प्रमोट होते होते अपनी सर्विस की पूरा कैरियर खत्म करते करते उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सन 2021 में उन्नाव का डीएसपी बना दिया। डीएसपी बनने के बाद कृपा शंकर कनौजिया साहब अपने सर्किल बीघापुर में ठीक ठाक तरीके से काम करने लगे, और ठीक ठाक तरीके से काम करते करते डिप्टी एसपी कृपा शंकर कनौजिया को वहीं का एक थाना और उसी थाने की एक महिला सिपाही से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, महिला सिपाही को देखते ही कृपा शंकर कनौजिया जो कि पुलिस में एक बड़े अधिकारी थे डिप्टी एसपी रैंक के, उनका दिल हौले हौले डोलने लगता है। अब वो धीरे धीरे उस सिपाही महिला के आगे पीछे टहलने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वो सिपाही महिला से कहते हैं कि तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो। अब वो महिला चूंकि इनके अंडर में काम कर रही थी, सीओ साहब थे, इन महिला के अधिकारी थे, वो महिला बिना संकोच किए सीओ साहब को अपना नंबर दे देती है। सीओ साहब अब उससे धीरे धीरे बात करने लगते हैं, और बात करते करते दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। पुलिस के अधिकारी थे, उनके अंडर में थी, कोई बात नहीं, प्यार होना था प्यार हो गया, दोस्ती होनी थी हो गई। अब आप सोचेंगे कि आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि दोनों की बातचीत यानी कि डिप्टी एसपी कृपा शंकर की और उस महिला की बातें अब प्यार तक ही सीमित नहीं रह गई थी। दोनों का आपस में फिजिकली रिलेशन यानी कि बाकायदा शारीरिक संबंध बनने लगा था, जो कि बिल्कुल अवैध, बिल्कुल अनैतिक और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था, क्योंकि सीओ साहब पहले से शादीशुदा थे, बड़े बड़े बच्चे हो गए थे और वो गोरखपुर के रहने वाले थे। तो साहब जुलाई 2021 में अपने पुलिस कप्तान, उन्नाव के पुलिस कप्तान से कहते हैं कि साहब मुझे किन्हीं कारणों बस अपने पैतृक घर जाना है। कप्तान साहब सीओ साहब की एक हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर देते हैं और सीओ साहब अपने घर की तरफ यानी गोरखपुर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। सीओ साहब 12 घंटे बीतने के बाद जब अपने पैतृक घर गोरखपुर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी उनके मोबाइल नंबर पर लगातार फोन करती है, बार बार फोन करती है, लेकिन उनका सीयूजी नंबर और उनका जो पर्सनल नंबर था दोनों ही स्विच ऑफ जा रहा था। अब पत्नी बेचारी बहुत परेशान कि सीओ साहब एक तो पुलिस के अधिकारियों का हमेशा दबंगों से, चोरों से, डकैतों से, मवालियों से, बहुत सारे मुकदमा वाले आदमियों से पाला पड़ता रहता है। अब उनकी पत्नी बेचारी बहुत हैरान परेशान कि अब आखिर क्या हो गया, सीओ साहब वहां से निकले छुट्टी और 12 घंटे बीत गया, गोरखपुर आने में 4-5 घंटे का टाइम लगता है, आखिर सीओ साहब कहाँ परेशान हो गए। अब सीओ साहब की पत्नी ने वहां के उन्नाव के एक कोतवाल जी को फोन किया और कोतवाल साहब से पूछा कि सीओ साहब का सीयूजी नंबर जो कि सरकारी नंबर है वो भी बंद जा रहा है और प्राइवेट नंबर भी बंद जा रहा है। तो कोतवाल साहब उनकी पत्नी यानी सीओ साहब की पत्नी को कहते हैं कि मैडम ऐसा है कि वो तो कल शाम को ही निकले थे, अभी तक नहीं पहुंचे, वो भी थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं थोड़ा देर वेट करिए, हो सकता है कि फोन वगैरह पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं तो हो सकता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई हो इसलिए फोन ऑफ हो गया हो। लेकिन वो कहते हैं कि दोनों फोन एक साथ डिस्चार्ज होना ये कहीं ना कहीं से संदेहास्पद स्थिति है। साहब से कहती है कि कोतवाल साहब एक बार फिर से आप ट्राई करिए। कोतवाल साहब फिर से ट्राई करते हैं लेकिन सीओ साहब का नंबर था कि ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोतवाल साहब ने सीओ साहब की पत्नी से कहा कि मैडम ऐसा है कि अब हमें भी शक हो रही है क्योंकि 2-4 घंटे बीत चुके हैं और लगातार ही फोन स्विच ऑफ बता रहा है तो हमें भी डर लग रही है। ऐसा है एक बार आप कप्तान साहब के यानी कि एसपी साहब के, उन्नाव एसपी के पास फोन कर लीजिए और पूरी घटना से अवगत करा दीजिए। पत्नी महोदया सीधा उन्नाव के कप्तान साहब को फोन करती हैं, कप्तान साहब से पूरा वाकया बताती हैं। कप्तान साहब बड़े गौर से पूरा वाकया सुनते हैं, चूंकि कॉल पत्नी की थी और बात एक पुलिस अधिकारी की थी इसलिए कप्तान साहब अपने नीचे के जितने भी पुलिस अधिकारी थे उनको कहते हैं, सीओ साहब को तलाशिए कि सीओ साहब घर गए
तो गुम कहां हो गए। अब पुलिस के जो कप्तान साहब के नीचे के अधिकारी थे वो सब हैरान परेशान, क्योंकि नंबर सर्विलांस पे लग नहीं सकता है, नंबर दोनों स्विच ऑफ। लेकिन पुलिस की सर्विलांस टीम ने जब सीओ साहब की लास्ट लोकेशन ट्रेस की, सीओ साहब की लास्ट लोकेशन क्या थी, तो सीओ साहब के दोनों मोबाइल से लास्ट लोकेशन का पता चलता है कि सीओ साहब की मोबाइल की, दोनों मोबाइल के सीयूजी नंबर और प्राइवेट दोनों नंबरों की लोकेशन जो थी वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के माल रोड के एक होटल की थी। अब चूंकि उन्नाव से कानपुर की दूरी ज्यादा है नहीं, इसलिए पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पुलिस सीधा अपना वाहन करती है, सिविल ड्रेस से दो दरोगा दो सिपाही सीधा उस होटल पर पहुंच जाते हैं। अब जब होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब है कि दरअसल मैनेजर साहब हमारे जिले के एक सीओ साहब हैं जिनका नाम कृपा शंकर कनौजिया है और वो कल घर के लिए निकले थे लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आप एक बार चेक करिए कि कहीं वो आपके होटल में तो कहीं किसी कारणवश नहीं रुके हैं। तो होटल के मैनेजर साहब अपना दस्तावेज चेक करते हैं, तो दस्तावेज चेक करने के बाद पाते हैं कि कृपा शंकर कनौजिया और उनके साथ एक महिला सिपाही दोनों अपना आईडी कार्ड अपना आधार कार्ड अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करके एक रात पहले से ही होटल में रुके हैं, यानी कि वो पिछले दिन सुबह 9 बजे ही आ चुके थे। अब पुलिस वाले चूंकि बड़े अधिकारी थे, जो दरोगा और सिपाही वगैरह गए थे उन्होंने मैनेजर से बतवाया कि कह दीजिए कि उनकी पत्नी का फोन आ रहा है। अब सीओ साहब अपना फोन निकालते हैं, अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं एक शादी में आया हूं, जरूरी शादी है इसलिए छुट्टी पर तो हूं, तो मुझे एक दो दिन यहां पे लग जाएगा। उनकी पत्नी थी कि सीओ साहब से 10 गुना दिमाग रखती थी। उनकी पत्नी उन पुलिस अधिकारियों से भी लगातार बात कर रही थी जो लोग होटल में गए थे, क्योंकि होटल में जाते वक्त उन्होंने बताया था कि मैडम आप परेशान मत होइए, हम लोग जहां उनकी लास्ट लोकेशन मिली है वहां जाते हैं और पूरी तरीके से तहकीकात करते हैं, तहकीकात करने के बाद आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ। अब इधर जब सीओ साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं एक शादी समारोह में हूं, तो कुछ देर के लिए मान जाती है और फोन काट देती है, लेकिन तुरंत ही वो तपाक से उन पुलिस अधिकारियों को फोन कर देती है जो होटल में गए थे। वो लोग बताते हैं कि मैडम ये यही रुके हैं। अब चूंकि मामला पुलिस के एक अधिकारी का था और पूरे पुलिस की बदनामी बहुत ज्यादा होती, इसलिए पुलिस ने अपनी नाक बचाने के लिए उस मामले को वहीं रफा दफा करने की सोची, लेकिन मैनेजर साहब और उनकी पत्नी और पुलिस वालों की बातचीत की वजह से होटल में 2-3 लोग और आ गए थे। उनमें से किसी ने पत्रकार को फोन कर दिया, 3-4 लोग पत्रकार आ चुके थे। अब पत्रकारों ने जब इस पूरी खबर को पूरी तरीके से दिखाना शुरू किया तो मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ लिया, और मामला जब तूल पकड़ लिया तो ये उत्तर प्रदेश में बैठे पुलिस के और ज्यादा ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचा, और उसके बाद कृपा शंकर कनौजिया सीओ पर जांच बैठा दी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने और उनको सस्पेंड कर दिया। 2021 से वो लगातार सस्पेंड चल रहे थे और लगातार उन पर जांच चल रही थी। इसी जून 2024 में अब उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी जांच पूरी हुई, जिसमें बाकायदा सीओ साहब महिला सिपाही से इश्क फरमाते नजर आते हैं, लगातार वो पूरी रात उस महिला सिपाही के साथ गुजारते हैं और अपना एक अनैतिक काम, एक अपना अलग चेहरा पूरी दुनिया समाज अपने परिवार को दिखाते हैं। जब पूरी जांच कर जून 2024 में यानी कि इसी महीने पूरी जांच कर अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि जो ये मामला था ये पूर्ण रूप से सत्य था, जांच में जो जो सीओ के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे वो पूर्ण रूप से सही पाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने सीओ साहब को डायरेक्ट प्रमोशन नहीं दिया। उनको निलंबित करने के बाद डायरेक्ट उनको सीओ यानी डिप्टी एसपी से डायरेक्ट सिपाही बना दिया जहां से वो भर्ती होकर आए थे। अब वो डिप्टी एसपी नहीं, सिपाही के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं देंगे। आप इस पूरी कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब एक आदमी जिसकी मैच्योर उम्र हो गई है और वो एक समाज में अच्छे रैंक पर है, समाज में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वो एक समय के साथ अगर बदल जाए तो ठीक है। अब इस पूरी कहानी में आपने देखा होगा कि सिपाही से भर्ती होने के बाद डिप्टी एसपी पहुंचने तक कृपा शंकर कनौजिया ने कितनी मेहनत की होगी, कितना समय गंवाया होगा, कितना पापड़ बेला होगा, लेकिन उनकी एक रंग मिजाजी, उनकी एक गलत आदत ने
उनको फिर वहीं पे पहुंचा दिया जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसा गलत काम, अनैतिक संबंध या अनैतिक आदतें नहीं बनानी चाहिए जिससे कि हमारा जीवन देखते देखते तबाही या गर्त में चला जाए। दोस्तों, फिलहाल आप कहानी कहां से सुन रहे थे और कहानी आपको कैसी लगी, पूरी कहानी के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, सबको बहुत दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में आप सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं या जो मेल आईडी होती है, यूजर आईडी, वही आता है। आप वीडियो कहां से देख रहे थे ये नहीं बताते हैं, तो कृपया करके ये भी बता दिया करिए। पिछली कहानी में हमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, शायद वो कमेंट मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ नाम आप तक पहुंचा रहा हूं जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था। और सभी भाइयों से मैं माफी चाहता हूं जिनके नाम ना आए, वो बुरा ना माने, अगली वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। फिलहाल मैं कमेंट पढ़ना और नाम पढ़ना शुरू कर रहा हूं। उनमें सबसे पहला नाम है रचना शर्मा का, जो हमारी कहानी दिल्ली से देख रही थी। कमलेश सिंह है, दिनेश तिवारी है, संतोष है हिसार हरियाणा से, नागेंद्र है पटना बिहार से, शैलेश्वरी जयपुर राजस्थान से हैं, साजिद खान सागर प्रतापगढ़ से हैं, उगेश्वर प्रसाद नवादा बिहार से हैं, राजवीर कौशिक जी हैं रोहतक हरियाणा से, भरत जी हैं राजस्थान से, उमा जी ने जबलपुर से कमेंट किया था, के नारायण हैं इटावा यूपी से, अशोक कुमार हैं, शकीर जी हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल सऊदी अरबिया में रहते हैं, अशोक पाठक जी हैं, भरत लाल यादव कुंडा प्रतापगढ़ से हमारी कहानी को सुनते हैं, अंकित यादव हैं जो कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में झारखंड में तैनात हैं। इन्होंने कहा था कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, तो अंकित भाई आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप भारत माँ की सेवा ऐसे ही करते रहिए। अगला नाम है रमेश चंद्र बिजनौर यूपी से, गोविंद जी बक्सर से हैं और प्रशांत यादव। दोस्तों, इन लोगों ने हमें वीडियो पर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया था। जिन भाइयों के नाम इस कहानी में नहीं आ पाए हैं उनका नाम मैं अगली कहानी में जरूर लूंगा। फिलहाल अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे बनाए रखें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ, ताकि आप सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, किसी भी गलत काम को करने से पहले 100 मर्तबा 100 बार जरूर सोचें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।